गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोरू कर दिया। इन अंग्रेजों का किराया अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का, आर्य निराकार बताएं, और खुद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताएं। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने, तो पुण्यात्मा अब रजा हुई है परमात्मा के आपके ऊपर। अब आपकी रुचि बनेगी इन प्रमाणों को देख के सचमुच सारी बात साची, और वह ऐसी सृष्टि है वहां सब मुक्त प्राणी ठाट से रहते हैं, जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल लेगा। और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, यह तेरी है नहीं, मूर्ख बनना बना रहे तो वहां क्यों ना चल रहे। यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे, जो रखे तो ही रहूं, मेरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये परमात्मा मैं तो आपका दास हो गया, और दास की चिंता मालिक ने, नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा, जो मालिक हमने मान रखा है तो कसाई है, ये ब्रह्म ज्योत निरंजन काल, इसको हमने मालिक मान रखा था, ये तो कसाई है, ये तो आपके अपने स्वार्थ में रोके हुए। और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आगे तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है, हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। और हम मांगेंगे बकवाद, क्योंकि भक्ति के मार्ग में चल रहा व्यक्ति को एक पत्थर ठा के सिर पर फिर धरन लगे, उनके कहेंगे मूर्ख, समझदार तो ये कहेंगे क्यों सिर मारा पत्थर में, चला गया चलेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप अनावश्यक वस्तु मांगोगे, जो आपके ऊपर पत्थर के रूप में होगा और भक्ति में बाधा करेगा इस सफर में, तो दाता उस वो दे को ना चापते, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, और हम उसकी आवश्यकता मान रहे क्योंकि हम बालक हैं। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने, जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये वे मतलब के त्योहार त्योर बनाकर जो बम पटाखे बजा कर फंड करने के लिए, तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हसावे। हमने नोट ऐसे डरक के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।